दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है मेरी खेत से। आज हम लोग अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग आए हैं अभी खेत में, क्योंकि मॉर्निंग में ना आज ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मॉर्निंग में भैया की तबीयत खराब हो रही थी, तो दीदी चली गई थी हॉस्पिटल और तो उनकी बुखार, उनको कल से बुखार आया था तो उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ा ज़्यादा ख़राब, तो उनको दिखाने गए थे और घर में भी कोई नहीं था तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी। मैंने सोचा शाम से ही करेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं खेत में और यहाँ पर दीदी काट रही घास, वहाँ पर मम्मी कर रही है सफाई। मम्मी भी आज पूरे खेत में पूरे गोल यहाँ पे जो घास होती है सारी साफ़ कर दी मम्मी ने। तो यहाँ पे दीदी गार्डन ने काट दिया घास और मैं रखती हूँ, गट्ठा बनाती हूँ। और हमने ना अभी जो बीच में लगाए थे हमने फूल, हमने लगाए थे बीच में जब हमने हाजरी के फूल लगाए थे तो वहाँ पे ना अच्छे खासे फूल खिल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर खिले हैं फूल। तो गाइस देखो इसमें फूल भी निकल गए हैं, हमारी मेहनत मतलब सफल हो गई जो हमने बीच में लगाए थे ना, हमने आपको भी दिखाए थे फूल लगे हैं यहाँ पे, हम लगा रहे हैं ठीक है। तो अभी दिवाली के टाइम पे इस टाइम बढ़िया हो गया हम लोगों का, दिवाली के टाइम पे हमको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया फूल यहाँ पे खिले हुए। तो गाइस जिस किसी को भी महालक्ष्मी के दिन फूल की ज़रूरत पड़ेगी वो रावण निवास आके ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। तो गाइस हमारे एरिया में ना चंदन के पेड़ बहुत सारे हैं, तो उन्हीं में से एक पेड़ ये भी है। तो इसमें ना कितना प्यारा फूल निकला है, देखो फूल तो नहीं फल लग गया है इसमें ये। तो गाइस दीदी चली गई है घास लेके, मैंने उठा दिया उनको और अभी हमारी एक ड्यूटी लगने वाली है, मैं आपको ड्यूटी दिखाती हूँ। तो आइए आप मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे है गोबर का ढेर और अब हम ये गोबर के ढेर को खेतों में डालेंगे। आज है हमारी गोबर सराई, जिसे बोलते हैं गोबर सराई, तो आज गोबर सराई है तो भी डालते खेतों में। खेत की जुताई हो गई, सुबह ट्रैक्टर आया था तो खेत जोत दिया और अभी ऊपर से गोबर डालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसमें बोएंगे घास क्योंकि गाय बच्चों के लिए घास खत्म हो गया है। ऊपर थोड़ा सा ही बचा है जहाँ तक, तो भी इसमें बोते हैं, तो भी जितना गोबर डालता है उतना डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं अभी। मैं फेंक रही हूँ गोबर और इतना गोबर फेंक दिया अभी थोड़ा ही फेंका, अभी शुरुआत ही हो रही है। तो अभी मम्मी और आवाजी भर रहे हैं टब में, तो मैं फेंक रही हूँ और दीदी लगा रही है दूध, फिर वो भी आ जाएगी, फिर साथ में ही फेंकेंगे। फेंक रहे हैं गोबर और मैं लगा के आ रही हूँ दूध। अब मैं बांटती हूँ गाय बच्चे को, फिर मैं भी जाती हूँ गोबर फेंकने। तो भाई इस साइड तो हो रहा है कच्चा गोबर और इस साइड हो रहा है पका वाला पुराना गोबर। तो ये गमलों के लिए और वैसे लहसुन लहसुन के लिए तो अच्छा हो रहा है। तो ये वाला गोबर ना हम लहसुन के खेत में डाल रहे हैं, लहसुन का खेत अभी बनाया नहीं हमने, लहसुन का खेत बनाएंगे। तो हमें वो कोने में ऊपर साइड जिस साइड घास है उस साइड लहसुन का खेत बनाएंगे, उस साइड में इसको फेंक रही हूँ। तो अभी भैया भी आ गए हैं खेत में और अभी ठीक है इनकी तबीयत, तो अभी सुबह के टाइम में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, अभी तो ठीक है। तो हमने एक मजदूर को और बुला दिया है और ये है गुन्नू की मम्मी जो दूध लगा के आ रही है। जाके हमने इतना सारा गोबर फेंक दिया है, अभी और है थोड़ा सा आधा हिस्सा और है और अभी दीदी भी आ गई है, इसको भी लगा दिया मैंने काम पे। तो गड़िया ऐसा मत समझना कि पहाड़ में ही होता है काम, यहाँ भी होता है ठीक है। तो गड़िया ऐसा समझेंगे यह काम पहाड़ों में ही हो, यह काम भाबरू मल्ला ही हो, तो भाबरू मल्ला ऐसा काम करनी, भाबरू वाला गोरबाज पालनी, भाबरू वाला गोबर खेलनी। तो ये सोचे की कुर्सी लगा पे भैरनिया, तो कुर्सी लगा पे नहीं भैरन, हम कबती कबती भैरन कुर्सी लगा पे बगा टाइम पर काम कर लू,
तो यह सोचा कि यहाँ खाली भैरे पर रोड खाम रही। गोबर सराई हमारी हो गई है पूरी, और यहाँ पे देखो इतना गोबर का चट्टा था तो हम लोगों ने सब फेंक दिया खेत में। तो हमने पूरा खेत, मतलब पूरा खेत तो नहीं, इधर की साइड को बचा है। तो अभी उस कोने में दिख रहा होगा आपको जहाँ पे दीदी जा रही है, उस कोने में है थोड़ा सा, उसको फेंकेंगे इधर की साइड और हमारा हो चुका है काम लगभग पूरा। तो यश धन सोचा है कि हम काम नहीं करो ना, हम कामदार तो बहुत ही, हम रावत जी बुआरी बहुत कामदार बुआरी जी, अब थोड़ी बहुत फसक तो मारने रहा है कोना को, तो हम लोग थोड़ी बहुत फसक तो मारी ली लू लेकिन काम लग करी ली। देखा मम्मी ने मारा डायलॉग, सासू कुमर है, जब सासू कामदार है तब तो बुआरी ला कामदार है। अगर बुआरी तुमको कुर्सी में हटनी मिल जाने जब तो क्या करना, तो जगला कगला गोबर चाहिए जब या दरहाट वाला के चाहिए या अलमड़ वाला के चाहिए या पिथौरगढ़ वाला चाहिए छो, तो हम वहाँ पे गोबर ले जाए, बहुत गोबर छू पिछाड़ देखो दुई थूबर पछाड़ा ला लगा यहाँ, तो हम खूब गोबर छू बिल्कुल बढ़िया, इतना बढ़िया हमारे गोबर, हमारे गोरबाज पाल रही हैं तो जब हम उनको खवानू तो वो निकालने लगी चाहिए। लिया मेरी चमचम बजे कनी सजी थी मुंड माँ मेरी गोबर को टपवा मुंड माँ मेरी अबे। तो गाइस हो चुका है फाइनल, गोबर सराई हमारा फाइनल हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर को। अब हम जा रहे हैं अपने कुड़ी में और हम धोते हैं अपने हाथ पैर, थोड़ा सा स्नान किया जाए क्योंकि बहुत ही गोबर गोबर हो गया है, और उसके बाद मिलते हैं आपसे घर जाके। और ना हमको भूख भी लग गई है, और अब मोमो खाओगी, मोमो खिलाओगी, ये कुछ नहीं खिलाती पता, पैसे भी खर्च नहीं करती है, इतनी गंदी है यार, पैसे भी खर्च नहीं करती। और छोड़ो तो आप परार ले, आप बगल में माइक भी ले रहे हो, परार ला धोना पड़ने ही, वो तो यह तो हमर छू, वो बगल में जिठाड़ी पर आ छू, अब उगले धो भी धार भी देना पड़ा, ओला ओला का गुबरा पा आ सके। तो गाइस हमने उनको ने ना हाथ मुंह धो लिया है, साफ सफाई कर ली है, और अभी ना मैं जा रही हूँ चेकअप ब्लॉक तक, क्योंकि ना दक्षु के पास थोड़ा दक्षु का सामान लाना है, तो हम ला जा रहे हैं ब्लॉक तक, तो मैं और रावत जी जा रहे हैं बच्चों को लेके, तो अभी आते हैं और थोड़ा सा काम है तो उसको निपटा के आते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हम लोग आए थे भी अंकल जी की दुकान पे, दिव्या कलेक्शन करके नाम है इस दुकान का, तो हमने ना यहाँ पे से ले लिया है सैंडो बनियान दक्षु के लिए, इसके लिए सैंडो बनियान चाहिए थे, स्कूल में सैंडो बनियान की जरूरत पड़ी थी अंदर से पहनने के लिए, तो हमने ले लिया है। और यहाँ पे ना दिवाली के लिए इतनी सुंदर सुंदर माला है आ चुकी है अंकल जी के वहाँ, काफी अच्छी लग रही है। तो ये जोड़े के हिसाब से है, हर किसी के रेट अलग अलग है, कोई 400 रुपए जोड़ा, कोई 300 रुपए जोड़ा, कोई 450, तो बहुत सुंदर सुंदर माला लाए अंकल जी इस बार, तो अभी हम भी ले जाएंगे दिवाली के टाइम पे। तो अभी तो हमने ले लिया है सामान, अभी जाते हैं घर को, चले चलो। आंटी काबू इससे बात कर रही है, काबू कह रही हेलो आंटी वल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और मैं सबके लिए लाए हूँ समोसे, तो हम लोग गर्मा गर्म समोसे खाते हैं और उसके बाद बनाती हूँ सब्जी। आज बना रही हूँ मैं अंडा करी की सब्जी, तो सबको समोसे बांटती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ सब्जी। तो गाइस कविता बना रही है सब्जी और मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, बच्चों को क्या ईशु को तो आया है बुखार और लक्षित पढ़ रहा है अभी और दक्षु भी पढ़ने बैठेगा अभी ना। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कविता, मैंने कविता बोला अभी तो कविता कौन है, करके पूजा का नाम ही कविता है, हम घर में इसको कविता करके बुलाते हैं, कबूली कबूली है। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हियर स्मॉल टाइगर कब देयर लाइव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल व्हेन द स्काई वाज ड्रैग। गाइस हम लोग का हो चुका है खाना, हम लोगों ने खा लिया है, सिर्फ पापा ने नहीं खाया है और पापा के लिए मैं रख देती हूँ,
तो आज बनाई थी अंडा करी और पापा के लिए रख दिया मैंने सब्जी। पापा जब भूखे से लगेंगे तब खा लेंगे, भिंडी में रख दिया मैंने खाना। तो मैं किचन साफ करती हूँ और बर्तन धोती हूँ, उसके बाद रूम में जाएंगे, फिर रूम में मिलती हूँ आपसे। छोटी बच्ची है क्या, छोटी आता नहीं आता। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम पे अभी, और आज की ब्लॉगिंग ना मैंने लेट शुरू करी क्योंकि सुबह के टाइम पे ना टाइम नहीं हुआ, मॉर्निंग में थोड़ा सा काम भी हो चुका था, भैया की तबीयत भी खराब थी, तो फिर मैंने शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और शाम ही को हमारा काम हुआ, जो भी हुआ, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भी हम लोग भी आ चुके हैं रूम पे और करते हैं रेस्ट। तो दोस्तों मैं कल से शायद मेरे ब्लॉग दो तीन दिन थोड़ा लेट ही आएंगे, मतलब दो तीन दिन का गैप रहेगा क्योंकि रावत जी ना वही बाहर जा रहे हैं, तो इस वजह से एडिटिंग वही करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, और ज़्यादा मैं अगर एडिटिंग करूँगी तो टूटी फूटी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती। तो रावत जी जा रहे हैं बाहर, तो कल जब ये आपके पास ब्लॉग आएगा, जब तक आपके पास पहुँचेगा तब तक रावत जी पहुँच चुके होंगे अपनी मंजिल पे, कहाँ जा रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। इसके साथ मैं अब कल से मैंने ही देखना है इन बच्चों को, इनकी परेशानी, इनकी सतानी है, इनको सुलाना उलाना। वैसे तो मम्मी लोग घर में हुए, सब लोग घर में हुए, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना, पापा 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 ज़्यादा होती है इनकी, मम्मी तो कम होती है, पापा ज़्यादा होती है। तो भी इसी के साथ करते हैं दोस्तों रेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए दोस्तों सुप्राती, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।